सिमडेगा के खोलेबिरा में मॉब लिंचिंग की घटना के बाद भुक्तस समाज में आक्रोश है। भुक्तस समाज के लोगों ने एनएच 143 को जाम कर दिया। इसका जायजा लिया हमारे सहयोगी आशीष ने। तो बता दें आपको कि जिस तरीके से खुटखटी का काम कर रहे एक शख्स को पहले तो ग्रामीणों ने मारा था और उसके बाद उसे जिंदा जला दिया था, और इस घटना के बाद से पुलिस की कार्रवाई भी जारी। हालांकि पुलिस को उस वक्त जाने नहीं दिया गया था, और इसी कड़ी में भोक्ता समाज ने इस पर आक्रोश जताया है, आपत्ति जताई है। जी की घटना के बाद कोलेबिरा में भोक्ता समाज आज सड़क जाम कर दी है और अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग कर रही है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे काफी तादाद में भीड़ लगी हुई है, जहां भोक्ता समाज के लोग जाम किए हुए हैं, सड़क जाम किए हुए हैं। दोनों साइड गाड़ियों की लंबी कतार लगी हुई है और पुलिस इन्हें समझाने का प्रयास कर रही है ताकि किसी तरह जाम खोला जा सके। हम आपको इस भीड़ के अंदर ले चलते हैं और भोक्ता समाज के जो अध्यक्ष हैं उनसे जानने का प्रयास करेंगे। जिंदा जला दिया गया है 25 साल का नौजवान लड़का को। एक समुदाय विशेष के लोगों ने जा करके हम लोगों के समाज का एक परिवार बसता है वहाँ, उसको अकेले पा करके उन लोगों ने एक साजिश के तहत खुटपट्टी जमीन का जंगल को 6 लकड़ी काटने का आरोप लगा करके उसको पूरा एक समुदाय के लोग जो है सो 500 लोग करीब करीब जो है सब जा करके उनको औरत मर्द लाठी डंटा से पीट करके अधमरा कर दिए। उनसे उसको संतुष्टि नहीं मिली और उनको जो है सो उन्हीं का लकड़ी में आग लगा करके उनको ढकेल करके वहां पर जिंदा जला दिया। जितने भी मुजरिम हैं एक एक व्यक्ति को अविलंब गिरफ्तारी होनी चाहिए और कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, और उनको जो है सो मॉब लिंचिंग के तहत जो कानून बना है उसके तहत आजीवन कारावास होना चाहिए, यहाँ तक कि उसको फांसी की भी सजा होनी चाहिए। क्योंकि प्रशासन के सामने इस तरह से घटना घटित होती है तो बताइए कि शासन कहाँ है, सरकार कहाँ है। उसका परिवार को 50 लाख रुपया मुआवजा, एक सरकारी नौकरी उसकी विधवा को, उसके बाल बच्चा हैं, उसकी पढ़ाई लिखाई मुफ्त। जिस खुटकटी जमीन का नाम से जो है सो वो लोग जो है सो उसको मर्डर किया है, मार के जलाया है, वो खुटकटी जमीन भी उसी के नाम से होना चाहिए। तो देखा आपने, एक डिमांड है इन लोगों की, भोक्ता समाज की एक डिमांड है। ये प्रशासन पर भी सवाल उठा रहे हैं, पुलिस पर भी सवाल उठा रहे हैं, और यहाँ सीओ साहब हैं, हम सीओ साहब से जानेंगे। वो भी सरकारी प्रावधान है, उनके अनुसार आज सुबह मॉर्निंग में हमारे डीसी सर उनके मृतक के आवास में जाके उनको देने का अपना आश्वासन या अपना शुरू कर दिए हैं, और प्रारंभिक स्तर पर उनको अम्बेडकर आवास दिया जा रहा है, और जो भी सरकारी प्रावधान है नियमानुसार इनको दिया जाएगा। तो देखा आपने, प्रखंड प्रशासन कहती है कि जो पीड़ित परिवार को न्याय देने की प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है। न्यूज 11 भारत के लिए सिमडेगा से आशीष शास्त्री। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।